हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम विचार कर रहे थे कि हमें पेड कोर्स लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, तो अब बिल्कुल फाइनल हो गया दोस्तों कि हम पेड कोर्स लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पेड कोर्स की फाइनल फीस कितनी होगी और इस पेड कोर्स में क्या क्या दिया जाएगा और कब से ये शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बात, छोटी सी बात पे डिस्कस करते हैं कि पेड कोर्स प्लस फ्री कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मैं फ्री कोर्स दूँ या कोई और भी यूट्यूब चैनल फ्री कोर्स देगा तो वो क्या सोचेगा कि यार फ्री में दे रहे हैं, कोई भी पीडीएफ उठा उठा के उसमें से पढ़ा दो और कोई भी नोट्स शेयर कर दो। और काफ़ी दोस्त यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी और की बुक का लिंक पूरा का पूरा शेयर कर देते हैं और यूनिवर्सिटी की बुक शेयर कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम फ्री का कोर्स देते हैं ना तो उसके अंदर जो भी हमारे मन में है वो हम आप लोगों को दे देते हैं, यूज़र को दे देते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते कंटेंट के ऊपर। लेकिन जब एक पेड कोर्स की बात आती है तो पेड कोर्स देने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए यूज़र को, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कल को कोई गाली ना निकाले और किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए हम सोच समझ के कंटेंट तैयार करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर। जैसे पीडीएफ वगैरह है, हम वो किसी और की नहीं उठाते और उसमें क्या है कि अच्छे से तैयार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करने की कोशिश नहीं करते कि वो किसी का कॉपीराइट हो, और फ्री में क्या है कि फ्री में कॉपीराइट चीज़ें ज़्यादातर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब पेड कोर्स लिया जाता, हम किसी से लेते हैं, तो अगला जो बंदा है पेड कोर्स दे रहा, वो भी बहुत मेहनत करता है यूज़र के लिए। तो मुझे लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे कि पेड कोर्स की कितनी अहमियत है और फ्री कोर्स में हमें क्या कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों, अब हम अपने कोर्स की बात करते हैं कि हमारा जो पेड कोर्स है उसकी फाइनल फीस कितनी है। उसकी फाइनल फीस है दोस्तों 500 रुपये फीस है, और ये 500 रुपये आपके दिसंबर तक के है दोस्तों। दिसंबर तक हम आपको तैयारी करवाएंगे और इसके अंदर 500 रुपये लिए जाएंगे और इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पेड ग्रुप होने वाला है उसके अंदर हम आपको क्या स्पेशल चीज़ें देंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, आपको 3 तरह की पीडीएफ दी जाएगी जो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, केवल जो पेड में मेरे उन्हीं को दी जाएगी। उन 3 तरह की पीडीएफ में सबसे पहली पीडीएफ होगी दोस्तों सेपरेट टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पीडीएफ होगी, जिसके अंदर आपको 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको टॉपिक वाइज हमने अलग किया है। जैसे कि टीचिंग के आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, रिसर्च के अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग कर रखे हैं, आईसीटी के अलग कर रखे हैं। तो इस तरीके से 10 के 10 जो टॉपिक हैं हमने सभी के क्वेश्चन आंसर अलग अलग कर रखे हैं, हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपको एक थ्योरेटिकल पीडीएफ भी दी जाएगी, जैसे कि टीचिंग के अंदर थ्योरेटिकल क्या है वो सारा कुछ आपको पीडीएफ रूप में दिया जाएगा, जो लेक्चर पढ़ाया जाएगा उसी की आपको पीडीएफ दी जाएगी। और आपको ये 10 के 10 टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी। और उसके बाद जो तीसरी पीडीएफ आती है दोस्तों, वो आती है हमारी मॉक टेस्ट पीडीएफ आती है। और जो मॉक टेस्ट पीडीएफ है दोस्तों, वो हमने इस तरीके से अरेंज की है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमने मॉक टेस्ट में डाला है, ताकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप उनकी ज़्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी कर सको और आपको वो याद रहे कि कौन से क्या आंसर है और किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो ये जो 3 तरह की पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पेड ग्रुप में आपको क्या दिया जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों एक आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दिसंबर तक आपका जो पीरियड रहेगा उसके अंदर आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है यूजीसी नेट से रिलेटेड। दिन में 2 वीडियो दिया करेंगे, सबसे पहली वीडियो आएगी सुबह, वीडियो देंगे करीब 10 बजे के करीब वीडियो देंगे, उसका हम आपको टाइम बता देंगे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। सुबह हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, और शाम को जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर मॉक टेस्ट देंगे, जो हमने सुबह पढ़ाया है वही आपको शाम को मॉक टेस्ट में पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको लर्न हुआ है। और शाम को जो वीडियो होगी दोस्तों उसके अंदर हम उन क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपसे करवा के देखे जाएंगे, वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिए जाएंगे और इस मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। अब ये
ये बात आती है दोस्तों कि अब हमारा जो कोर्स है वो कब लॉन्च होने वाला है, यानी कि कब से शुरू होने वाला है, पहली क्लास कब से होने वाली है। तो दोस्तों उसकी सबसे पहली क्लास होने वाली है, 5 तारीख को शुरू होने वाली है। और आपको किस तरीके से एनरोल होना है उसके अंदर, किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या करना है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, उसके बारे में आपको कल दिन में बता दिया जाएगा। हमने जैसे सेटिंग वगैरह थोड़ी सी रही हुई है वो हमारी आज शाम तक हो जाएगी, और हम एक नंबर भी लेके आए, वो नंबर भी आपको कल पब्लिकली बता देंगे कि क्या नंबर है, उस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो और एक चीज़ आप लोगों से पूछना है दोस्तों कि वैसे तो हमने शेड्यूल बना रखा है कि 5 तारीख को क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मेरे लिए आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक करवाना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल ज़्यादातर सभी यूट्यूबर क्या है कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले करवा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे पहली यूनिट है। तो वैसे देखा जाए तो वही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे राय जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें कौन सी यूनिट करनी चाहिए, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड ही करनी चाहिए या टीचिंग के अलावा कोई और यूनिट हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड तो काफ़ी करवा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि हमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड ही करवाना चाहिए या टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा कोई और टॉपिक करवाना चाहिए पेपर फर्स्ट में। तो दोस्तों अपना जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो पेड कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेमेंट का ऑप्शन है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, क्या है, वो आपको कल बता दिया जाएगा, और नंबर वगैरह वो पब्लिकली शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।